एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऑफिस से आया और ऑफिस से आते ही देखा उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है। तो उसका बेटे को एक क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पापा को बोला, पापा मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा पूछो। तो जैसे उसका बेटा क्वेश्चन पूछा तो बोले, पापा आप एक घंटे में कितना कमाते हो? तो उसका पापा ने उत्तर दिया, बोला 100 रुपये। तो उसका बेटा और एक क्वेश्चन पूछने के लिए पापा को बोला, तो पापा मैं क्या आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? उसका पापा बोला हाँ बेटा पूछ सकते हो। तो उसका बेटा ने क्वेश्चन किया, पापा आप मेरे को 50 रुपये दीजिए। तो उसका पापा तो बहुत गुस्से में हो गया, तो उसका बेटे को बोला, बेटा तुम कमरे में जाओ मैं आ रहा हूँ। तो जैसे उस बेटे रूम में चला गया तो उसके बाद उसके पापा कुछ देर बाद आया तो बेटे को 50 रुपये दिया। तो उसके बाद उसका बेटा उसका पिकी बैंक से कुछ पैसे निकालते हैं, उसके बाद उसके पापा को दिखाते हैं। तो उसका पापा बोल रहे, तो तुम्हारे पास तो पहले से ही पैसे थे तो मेरे पास क्यों मांगा? तो उसको जब बेटा बोला, तो पापा ये लीजिए 100 रुपये और मेरे को कल 1 घंटे टाइम देना, मैं आपके साथ खाना खा सकूं। तो उसको पापा ने बोला, बेटा तुम एक क्यों बोल रहे हो? तो कभी कभी इतना जो टाइम में आप बिजी हो जाते हो काम में, तो आपको थोड़ा परिवार के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियोस के अंदर देखने के बाद आपको कैसा मोटिवेट मिला तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना काम में बिजी नहीं होना है आपको, जैसे कि आपको परिवार के लिए या किसी फ्रेंड के लिए, आपको फ्रेंड के लिए या चाहे आपके बच्चे के लिए टाइम ना मिले, तो कभी भी इतना बिजी मत होना।